सर जो आज दो आरोपी पकड़े गए हैं, किस अपराध में पकड़े गए, उनके पास से क्या क्या बरामद हुआ है? कल रात्रि देर रात जो है समाधिया कॉलोनी जो है उसमें झूलेलाल मोहल्ला या कॉलोनी बोले उसमें जो है राजेश बागवानी का परिवार रहता है, उनकी जो है एक 15-16 साल की बच्ची है। उस बच्ची को जो है कुछ लड़के एक संस्कार जो है परिहार नाम का लड़का लगभग पिछले एक साल से लड़की को परेशान कर रहा था, मतलब आ जा रहा था, तो लड़की भी बातचीत कर लेती थी चूँकि तो इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए थे। तो लड़की के परिजनों ने जो है राजेश बाधवानी जी और उनकी पत्नी ने उसको मना किया कि भाई तुम हमारी बच्ची को फ़ोन मत लगाया करो, परेशान मत करना, हमारी बच्ची आपसे बात नहीं करती। बच्ची ने भी मना कर दिया, बोला आप मुझे परेशान मत करना और ना मुझे फ़ोन लगाओ, ना मेरे को कभी आया करो मेरे। तो इसी बात से बदले की भावना रख करके जो है लड़की के पिता को माता को कल रात को लेट नाइट उन्होंने छत के रास्ते से आकर के टारगेट किया। जब परिजन जाग गए तो दोनों लोगों ने 32 बोर की पिस्टल से जो है फायर किए, तो एक गोली जो है उनके पिता के लगी और एक माँ के लगी और दोनों जो है छत के रास्ते से कूद के भाग गए। वरिष्ठ अधिकारियों के जैसे ही घटना संज्ञान में आई वैसे ही तुरंत जो है हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और CSP साहब ने एक टीम गठित की और हम लगातार प्रयास किए और जो है क्योंकि नामजद ये हो चुके थे सुबह बच्ची ने और बच्ची के पिता ने पहचान लिया था, तो बच्ची के पिता के घुसने आने के बाद उन्होंने स्टेटमेंट में इसके बारे में बताया। फिर हमने इसकी धरपकड़ की और जिसे जो भी घटना में आला जल उपयोग किए गए थे वो जब्त किए गए।